हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिशत निकालना। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये हर टाइप के क्वेश्चन हैं, मतलब जिसमें आप पूरे तरीके से परसेंटेज का लॉजिक और परसेंटेज निकालना और फ्रैक्शन में चेंज करना सब कुछ सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपके सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दो बात बताना चाहता हूँ। अगर हमें कहीं भी परसेंटेज का साइन यानी कि प्रतिशत का साइन लगाना है तो हम क्या करेंगे, इनटू 100 करेंगे। अगर कहीं पर लगाना है मतलब हम चाहते हैं कि हमारे आंसर में परसेंटेज की वैल्यू आ जाए तो हमें मल्टीप्लाई 100 करना होगा। अगर हमें किसी वैल्यू में से परसेंटेज हटाना है, ठीक है, हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/100, यानी कि उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से। तो ये दो चीज़ आप याद रखिए, इन दोनों चीज़ के लॉजिक पर ही हम ये सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और तीसरी बात, अगर हमारे पास वैल्यू में का दे रखा है तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 620 का 25%, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 620 का मतलब गुणा, ठीक है, 25 का मतलब 25 लिखेंगे। और यहाँ पर परसेंटेज है, अब इस परसेंटेज को हटाना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 1/100, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई 1/100 कर देंगे, ठीक है। हमें परसेंटेज का साइन हटाना है। तो अब देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 25 से हम 100 को काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा, और 4 से हम इसको काट देंगे 620 को। तो जब हम 620 को काटेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 155, ठीक है। आई थिंक आपको डिवाइड करना आता होगा, तो डिवाइड आप करके देख सकते हैं, वैल्यू आ जाएगी 155। यही हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 25% का 4%, ठीक है। तो 25, सबसे पहले हम 25 लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब हमें क्या हटाना है, हमें ये परसेंटेज का साइन हटाना है, तो हम क्या करेंगे, 1/100, ठीक है। का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब 4 को एज इट इज लिख दीजिए, अब ये परसेंटेज हटाना है तो मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है। तो अब देखिए इसको काटिए, काटने पर क्या मिलेगा, 25 चौका 100, ठीक है, और इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/100, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको पहले दो क्वेश्चन इजीली समझ आ गए होंगे कि हमें परसेंटेज की वैल्यू कैसे सोल्व करनी है और परसेंटेज का साइन कैसे हटाना है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये कुछ अलग है, 1/2 को प्रतिशत में बदले। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है हमें उसे परसेंटेज में चेंज करना है यानी कि प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 × 100 कर देंगे, ठीक है। तो 2 से 100 को काटिए, 50 बार कटेगा, और 50 × 1 यानी कि 50, तो ये हमारा हो जाएगा 50%। यानी कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। यानी कि हमें क्या करना था, आंसर में हमें परसेंटेज का साइन लाना था, तो वो हम कैसे ला सकते थे, इनटू 100 करके, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, सपोज कीजिए ये लिखा हुआ है 800 का कितना प्रतिशत 320 होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे एज्यूम कीजिए कि 800 का यहाँ कितने की जगह कर दीजिए x, ठीक है, यहाँ पर कर दीजिए x। अब देखिए 800 का x प्रतिशत 320 होगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, कितने की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसको ना फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेट कीजिए, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकाला था, 620 का 25%, ठीक है। तो यहीं पर सपोज कीजिए 800 का x प्रतिशत, 800 का x प्रतिशत, तो सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था ऐसे ही करेंगे, 800 का x प्रतिशत, ठीक है। x प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, x डिवाइड बाय 100, जैसे यहाँ पर 25 / 100 किया था, यानी कि 25% निकालने के लिए 25/100 किया था, ऐसे ही 800 का x प्रतिशत निकालने के लिए x बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 320, यानी कि 800 का x प्रतिशत 320 होगा, 800 का x प्रतिशत 320 होगा। अब इसको बस सोल्व करना है, 0 0 से 0 0 कट जाएगी, ठीक है, 8 से 1 काट दीजिए, 8 चौक 32, और 0 एज इट इज़ यानी कि 40, ठीक है।
तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 40%, ठीक है, यानी कि 40%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। अब देखिए चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की साइड, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हमारे पास वैल्यू है 0.02 को प्रतिशत में बदले। मैंने अभी ये क्वेश्चन कराया था कि प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, तो सिंपल लॉजिक है इंटू 100 करना है, ठीक है। तो 0.02 × 100, ठीक है, तो इसको बस सोल्व करना है 0 पॉइंट, ठीक है। यहाँ से अगर हम पॉइंट हटा दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 002/100 हो जाएगा, क्योंकि हमने दो वैल्यू के बाद पॉइंट हटाया है, तो डिवाइड में हमारी दो जीरो आएंगी, यानी कि 100 आ जाएगा, और इंटू 100। अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 2 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 2%, ठीक है। हमने इसको प्रतिशत में बदला है, तो ध्यान रखिए जब भी आप परसेंटेज में बदलते हैं तो वैल्यू के आगे परसेंटेज जरूर लगाएं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमें निकालना है 25% को भिन्न में बदले, यानी कि फ्रैक्शन में बदलना है इस 25% को। तो इसका मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर हमें किसी भी वैल्यू में से परसेंटेज का साइन हटाना है तो उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो 25/100 वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 चौका 100, यानी कि 1/4। तो हमने ये फ्रैक्शन में बदल दिया, यानी कि भिन्न में बदल दिया। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे हम लिखते हैं 1, ठीक है, 1 हमारा क्या है, 1 अपने आप में पूरी संख्या है, यानी कि 1 को हम 100% के इक्वल मानते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ का पूरा हिस्सा उसका 100% होता है, यानी कि 1 = 100%, ठीक है। इस लॉजिक के बिहाफ पे अगर आप 2 लिखेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा 200%, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। आपके लिए मैं बेसिक लाया था, तो मैंने बेसिक आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।